वेलकम बैक फ्रेंड्स पूनम बच्चा लाइफ स्टाइल एंड ब्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है आज हमने हेलोविन कैसे सेलिब्रेट की इस पर ये व्लॉग है फ्रेंड्स हेलोविन वैसे तो इंडियन फेस्टिवल नहीं है हमारी संस्कृति सनातन धर्म से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं इस चैनल के वो जानते हैं कि मैं यूजुअली सनातन धर्म से रिलेटेड फेस्टिविटीज़ को अपने व्लॉग में दर्शाती हूँ उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो हम अनजान रहे आजकल स्कूल्स में जिस तरह से क्रिसमस मनाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से हेलोविन फेस्टिवल भी मनाए जाने लग गए हैं तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बीच में या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में और हम में जनरेशन गैप ना हो तो हमें उनके रंग में रंगना पड़ता है तो फ्रेंड्स इसे हम प्रमोट ना भी करें तब भी हमें पता तो होना चाहिए और आप सबको ये छोटे छोटे बच्चों ने जो डरावनी वेशभूषा ले रखी है उसे देख के जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी तो ज़रूर हुई होगी कि एक्चुअली में इंसानों में भूत और चुड़ैलों जैसी ये वेशभूषा लेने की होड़ क्यों मची हुई है पार्टियों में लोग जाते हैं बन ठन के लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल चुड़ैल और भूत बनकर जाते हैं तो एक्चुअली में ये फेस्टिवल होता क्या है तो इसी को दर्शाने के लिए आज का मैंने ये छोटा सा व्लॉग बनाया है एक प्रयास किया है आई होप कि आप सब इसको एन्जॉय करें फ्रेंड्स हेलोविन की शुरुआत सबसे पहले आयरलैंड और स्कॉटलैंड में हुई थी इसका इतिहास लगभग दो साल पुराना है फ्रेंड्स ईसाई धर्म के लोगों की मान्यता है कि भूत प्रेतों का गेटअप करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है फ्रेंड्स हजारों साल पहले से पूरे उत्तरी यूरोप के देशों में एक नवंबर को एक प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार ऑल सेंट्स डे के नाम से इसे मनाया जाता था जो अब हेलोविन ईव के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स हेलोविन डे हर साल अक्टूबर मंथ के लास्ट डे को मनाया जाता है फ्रेंड्स वैसे तो हेलोविन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पॉपुलर है लेकिन आप देख सकते हो इस फेस्टिवल की पॉपुलैरिटी इंडिया में भी काफ़ी बढ़ गई है क्रिसमस की तरह ही हेलोवन पार्टीज भी अब कॉमन हो गई है और और फ्रेंड्स आज की व्लॉग में हमारी जलवायु विहार सोसाइटी के नन्हे मुन्ने बच्चे कैसे भूत प्रेत आत्माओं की तरह ड्रेसअप होकर आए हैं वो आप देख सकते हैं और, और ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन इतने क्यूट से भूत और प्रेत देख के डर नहीं

चाँगी चाँगी। आगे। आगे। और क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ तो इन बच्चों को चेयर करने के लिए मैंने हेलोविन थीम का केक भी बनाया है आप फ्रेंड्स हमने एक्सपेक्ट किए थे कि सिर्फ पंद्रह या बीस बच्चे आएंगे उसी हिसाब से मैंने डेढ़ के जी का केक बनाया था लेकिन आप ये क्राउड देख के इस फेस्टिवल की पॉपुलैरिटी को समझ सकते हो अराउंड सिक्सटी प्लस बच्चे आए थे और हमने बेस्ट कॉस्ट्यूम मतलब सबसे ज़्यादा स्पूकी ड्रेस में गेटअप में जो आया था उस हिसाब से छोटे और बड़े बच्चों के कैटेगरी में दो दो विनर्स अनाउंस किए बच्चों को गिफ्ट्स दिए सारे बच्चों ने अपने पम्पकिन बैग्स में गुडीज़ कैंडीज़ कलेक्ट किए केक कटिंग हुआ और अपने गिफ्ट्स लेके बड़ी खुशी खुशी से बच्चे घर गए फ्रेंड्स अब मिलिए इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र मेरी फ्रेंड खुशी जिसने इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज किया और साथ में भारती जिसने इन छोटे छोटे बच्चों का इतना बढ़िया सा मेकअप किया सारे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लिए अपने बच्चों के लिए पंपिन बास्केट्स बनाए उनको भूत प्रेतों की तरह ड्रेसअप करके इस इवेंट में भेजा भाई हमने तो ये हेलोविन का फेस्टिवल बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके लिखना ना भूलें वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में शेयर करें मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग अपलोड के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए खुश रहिए बाय बाय